बोल देता हूँ। हाँ बोल दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, हम जिस दिन से यहाँ आए और आज तक हमारा एक ही प्रयास रहता है कि कैसे ठीक से सब चीज़ें चलें। आप इस बात से सहमत होंगे, यहाँ की जो समस्या है वो आज से निर्मित नहीं है, बहुत लंबी पुरानी समस्या है। कोई भी यदि बीमारी बहुत पुरानी हो तो बहुत समय लगता है। हमारा ये एक पैरामीटर रहता है देश का हमारा, कि जैसे बिजली की पूर्ति हेतु कोयला का आवश्यकता, सेवाओं में कोयला उस श्रेणी में आता है, ऊर्जा के विकास हेतु तो एसेंशियल सर्विसेज में कोयला उत्पादन आता है। तो हमने आपके भूमि का अधिग्रहण हुआ 2004 में हुआ, 6 में हुआ, कोर्ट केस हुआ, 506 नौकरी लगी, 202 बहाल, ये सब चीज़ें सब जानते हैं। अब क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 899 का फिगर एले एक्ट में कर दिया कि ये भूमि लॉक किया जाए, इसमें कुछ हमारा कोल इंडिया पॉलिसी का है, बाकी एमपी का है। हमारे अधिकारियों ने ये बता दिया है कि हमने जो रोज़गार अभी विगत 5-6 महीनों में, करीब 4 महीनों में भी 26 दिए हैं, 27 या 30 अभी बिल्कुल रेडी हैं, बाकी रोजगार की प्रक्रिया हेतु प्रतिदिन हम फॉलोअप करते हैं। हमारे मन में कभी ये भावना नहीं आया कि खदान बंद रही तो क्या होगा, नहीं, जिसका हक है उसको पहुंचना चाहिए। आज भी आप हमारे ऑफिस से किसी से पता लगा लीजिए, आप तो यहीं रहते हैं, नए हैं तो सिर्फ हम हैं, 14 घंटा से 16 घंटा प्रतिदिन, कोई इतवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, किरकी किस तरह काम करते हैं। एक रोजगार की प्रक्रिया जब आती है, आता है प्रस्ताव, पहले उप क्षेत्रीय के कार्यालय में पेपर इकट्ठे होते हैं, फिर क्षेत्रीय स्तर पर कमेटी बनती है, मुख्यालय जाती है, वहाँ एक कमेटी, फिर फाइनली एफडी का साइन होता है, तब एक रोजगार का सृजन होता है। 3-4 जगह लेयर होता है, कोई गलती ना हो जाए। अब हम लोगों ने एलए में दे रहे हैं, अभी तक वो एक प्रक्रिया है। अभी हम लोगों का जो DRCC वाला बात है, जो CBA के अंतर्गत जो भूमि अभी हम लोग ले रहे हैं, उस भूमि में हमारा परसों माननीय कलेक्टर साहब के साथ बैठक था। जो भी बैठक रहता, देखिए, हम आपको विश्वास, जैसे हम आप पे विश्वास करते हैं, आपको हम पे विश्वास होना चाहिए। एक ही मुद्दा था कि किस तरह जल्दी रोजगार दें और जल्दी मुआवजा बांटें ताकि विकास हो रास्ते। अब ये क्षेत्र वर्तमान में प्रतिदिन 3 करोड़ 30 लाख का हानि होता है, घाटा खा रहा है। एक घंटे में 13.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र को, उत्पादन है नहीं और जो बाकी खर्चे हैं, सैलरी है, वेजेस हैं, वो तो है ही। फिर भी हमारी कंपनी इसमें लगी रहती है कि किसी तरह से हम उत्पादन बढ़ाएं, घाटे को कम करें ताकि विकास हो। आज ये खदान अब चलने लगी आप सबके सहयोग से, इसका मैं ऋणी हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। अब आपकी जो राम भजन जी की बात हुई, परसों मेरे पास आए, आप लोग भी आए, ऐसा नहीं कि मैं उस सब्जेक्ट से दूर हो गया। हमारी एक हाई पावर कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी में हमारी एक दो बार डिस्कशन हुए, हर चर्चा पे कैसे समाधान किया जा सकता है ये भी बात हुई। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो 20 साल के नियम को कैसे शिथिल किया जाए या कैसे उसका व्याख्या किया जाए। माननीय कमिश्नर साहब से भी हमने चर्चा किया, आज सुबह मैंने SDM साहब से भी चर्चा की, कल भी मैंने SDM साहब से चर्चा किया, कल जो ब्लड कैंप था उसमें SDM साहब आए हुए थे, आप जाके पता लगा सकते हैं। SDM साहब ने यह कहा कि साहब, कमिश्नर साहब तो बोल दिया कि संभव नहीं, हमने उनको पत्र भी दिया कि आप शासन में ऊपर तक भेजिए, भोपाल तक भेजिए कि शायद कुछ। मैंने माननीय MLA साहब को भी कल, विधायक साहब को भी अनुरोध किया, माननीय मिनिस्टर साहब को भी अनुरोध किया कि आप उस लेवल में हैं कि विधायिका के साथ मिलकर विधानसभा में यदि हमको क्या दिक्कत है, यदि वो शिथिल गवर्नमेंट कर दे, नो प्रॉब्लम, हम उनको अपील कर, वो मेरे हाथ में नहीं है। हम लोग एक रोजगार देने का एक हमारा संस्थान है, डिसाइड करता है माननीय DRCC के अध्यक्ष और विलेज क्या किस नीति के तहत जाना चाहते हैं, क्लबिंग चाहते हैं कि डिसेंडिंग चाहते हैं। वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान की जितनी माइंस हैं, 90% लोग डिसेंडिंग चाहते हैं, आप डिसेंडिंग में दे दीजिए, क्लबिंग में विवाद होता है। आप वो हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, अभी भी जैसे DRCC के अलावा हम बता रहे थे MPRR में भी अभी कुछ रोजगार है हमारे पास, जो नियम में आना चाहते हैं वो आके अप्लाई करें। आपके जो लंबित रोजगार हैं, हम भी चाहते हैं कि कोर्ट में वो फैसला हो जाए 63 के अलावा बाकी का, कि जिसके चलते जो भूमि इन्वॉल्व हो चुकी है वो यदि इन्वॉल्वमेंट से हट जाएगी तो बचे रोजगार मिल जाएंगे। हम भी प्रतिदिन रिव्यू करते हैं, परसों माननीय कलेक्टर साहब, ADM साहब, पूरी टीम थी,
तहसीलदार साहब से आ रही थी, एक एक दिन बात हुई कि कितने दिन में DOL बना देंगे। आपको ये अच्छा लगेगा सुन के, हमने कहा कि साहब हम विगत 2 से 3 महीने में DOL अप्रूवल करा के रोजगार चालू कर देंगे, जो CBA के अंतर्गत है वो चालू कर देंगे। हमें तो देना है, जेब से देना नहीं है। हम एक मिनट भी नहीं चाहते कि विलम्ब हमारी तरफ। अब उसमें क्या है, DRC जब हमने DOL बनाया है उसमें पहले क्या होता था, फाइल बनती थी, मुख्यालय जाती थी, बोलते थे फलाना गलत है, 6 महीना आगे पीछे हुआ। हमने DOL बना के माननीय सरपंच साहब को दिया कि आप भी पंचायत में देख लीजिए, कोई नाम छूटा तो नहीं है, क्योंकि उसमें आदरणीय कलेक्टर साहब का भी साइन होता है, दोबारा साइन करने को उसके आपने गलती छूट गई। अभी हम स्पेशल अधिकारियों की टीम भेज रहे हैं मुख्यालय कि चेक कर लीजिए लिस्ट ठीक है कि नहीं। संभवतः ये 10 दिन के अंदर हम वो लिस्ट को साइन करा के, जो विधि में आपका सरपंच साहब करेगा, कलेक्टर साहब करेगा, मैं करूँगा, तो वो रोजगार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले महीने हम कैंप भी करना पड़ा तो कैंप करा के हम DOL अप्रूव कराएंगे। जैसे ही अप्रूव हो गई आपका रोजगार प्रक्रिया शुरू। आप लोगों ने तकलीफ सही है, मैं उसको जानता हूँ, मुझे उसके लिए दुख भी लगता है, परंतु हम जब से आए हैं, जब से हमने कोई अपनी कोशिशों में 1% भी कमी नहीं छोड़ी। अभी मेरी वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, सुबह भर्ती करा क्या कि नहीं, मेरी मीटिंग है अभी वहाँ, कल हम यहाँ ब्लड दे रहे थे वहीं पर। हमारे लिए नहीं है, आप मेरे आज में नहीं आता, माताएं आप लोग मेरे लिए आए तो मेरा दिल मानता नहीं। हम आपके साथ हैं और सदैव रहेंगे, कंपनी आपकी कंपनी, ध्यान रखिए। होता क्या है, कुछ सोचने हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, कुछ आपसे गलती हो गई हो। अभी क्या करिए, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, कलेक्टर साहब के पास 2-1 दिन का मीटिंग तय कर, SDM साहब क्रॉस कर दीजिए, MLA साहब क्रॉस कर, हम वहाँ चलते हैं। हमने भी SDM साहब को बोला है कि साहब आप जल्दी इसका फैसला कर दीजिए शासन से कि संभव है कि नहीं, एक आस खत्म हो जाएगी, नहीं है तो नहीं है, लग बीच में नहीं होना चाहिए, है तो हुआ जाए। आप भी प्रयास करें, आपकी जो CSR की एक्टिविटीज़ हैं, 2 रुपये पर टन का हमको रहता है। अब हमने 14 लाख टन कोयला किया, बहुत छोटी राशि हमको मिलती है, हमको तनख्वाह भी जब मिलती है, जब कुछ अच्छे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र जो काम कर रहे हैं वो कमाते हैं तो हम लोग को तनख्वाह मिलती है। सिर्फ इसके भरोसे कोई ये कंपनी चलती तो बंद हो जाती, कोई उद्योग घाटे में लगातार नहीं चल सकता। हमारे पास होता है क्या CSR का, हम आपको बताएं, हर गांव के जो माननीय प्रतिनिधिगण हैं, जिनको आप लोग सुनते हैं, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, पार्षद, सांसद, माननीय विधायक साहब, सबके हमारे पास प्रस्ताव आते हैं और इतने ज़्यादा प्रस्ताव हो जाते हैं, वो प्रस्ताव पूरे कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। फाइनली वहीं पे कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये डिसीजन होता है कि कोई नीति मानकर चलो, शासन के द्वारा भी हो रही है और हम भी कर रहे हो, हमारा भारत सरकार है, उनका मध्य प्रदेश है, दोनों शासन गवर्नमेंट का है, तो दोनों नीतियाँ एक साथ एक दूसरे सेम ना हो जाए, इसीलिए फाइनल निर्णय वहीं लिया जाता। कल मेरा माननीय MLA साहब से भी अनुरोध था, बोले हमारे कुछ काम मैं साहब आपके जो भी काम आते सब हम वहाँ भेज देते, और वहाँ तय होता है कि काम है 50 और राशि है करने की 3 या 4 की, वो 4 कौन से किए जाएँ वो साहब तय करते हैं। आप वहाँ बोलिए साहब ये प्राथमिकता है, वो हमको जो आदेश देंगे हम वो काम करते हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेवा देने का काम करते हैं। रोजगार तय करना, आपको नीति निर्धारण करना है कि क्लबिंग चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, 100% कोई सहमत नहीं होगा, 60% यदि क्लबिंग है तो क्लबिंग होगी, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जब माननीय DRCC में हमारे कार्यालय में आप देख सकते हैं, वहाँ से तय हुआ कि भाई हम डिसेंडिंग करें, उसमें किन के सिग्नेचर है नहीं वो भी हमारे पास, अब उसमें डिसेंडिंग तय हुई तभी मामला आगे। आप क्लबिंग चाहते हैं, शासन क्लबिंग बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमको तो टोटल रोजगार देने, जैसे आप लाभ चाहें तो आप बिल्कुल ना ये सोचें कि हमारा कोई उद्देश्य है कि आपके नुकसान हो या आपको कोई क्षति पहुंचे, सदैव आपके साथ। आपने पानी की बात कही, टैंकर लग गए हैं, आपको लगता है सरपंच साहब या जो नीति आप तय कर देंगे आपकी पंचायत के नीचे, हमारे ये 4 आदमी साइन करेंगे, हम उसी साइन को देखेंगे, हम हर दिन टैंकर के पीछे नहीं दौड़ते। हमने बोल दिया राम भजन जी साइन करें, चाहे संजीव जी करें, चाहे आप राजेश जी करें, आपके या माता जी करें, हम जब पास करेंगे जब साइन हो जाए, बस ये पावर हमने आपको दिया। पानी का टैंकर हमने बोल दिया और कहाँ का चलते मैं दौरा आपके साथ कर लें, हमारे खदान का पानी यदि आपके कार्य आएगा तो मुझे क्या जाता है, जल है तो जीवन है ना, रक्तदान महादान, और 24 घंटे खड़े हैं ये बात को मानिए, और 14 से 16 घंटा प्रतिदिन कार्य कर, हमने पहले 6 हेक्टेयर भूमि हर महीना बढ़ती थी कंपनसेशन, अभी 18 हेक्टेयर बढ़ रही है, 3 गुना काम बढ़ा दिया कि कैसे जल्दी जल्दी, अभी लंबित बहुत है, अभी भी 211 हेक्टेयर भूमि हमको लेनी है, जिस स्पीड से पहले काम होता था 3 साल लगेगा, हम चाहते हैं 1 ही साल में वो ले डाले, रात दिन प्रपोजल बनवाते हैं, वकील बैठा दिया,
यहाँ माइन के ऑफिस में कि हम कैसे जल्दी से जल्दी कार्य, तो हम सदैव आपके साथ हैं। आपने बोला हम तुरंत आए, वाइफ एडमिट है, हम बोले नहीं हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। आप बोलो मैं आपके साथ सारे दौरा कर लेता हूँ, इस सड़क में भी भविष्य में माइन चलेगी, ये माइन का लाइफ अभी 14-15 साल है, ये चलेगी तब ये क्षेत्र बचेगा, ये बंद हुआ तो मान कर चलिए क्षेत्र खत्म हो जाएगा। 40 लाख देगी, भरपूर कोयला देगी, अंडरग्राउंड तो बंद हो रही है, ज़्यादा कोयला बचा नहीं, अतः वो चलेगा। रोड का भी और पूरी नई रोड का निर्माण होना है, वो भी आपको हम जगह में चल के बता देंगे। आप जब चाहें साप्ताहिक बोले, 15 दिन में बोले, महीना में बोले, हम एक बैठक करने को तैयार हैं। सप्ताह में जो भी दिन तय किया है, हमारे अंसारी साहब मैनेजर साहब वो लोग आते हैं चर्चा करने। आप रहते नहीं रहते मैं नहीं कह सकता। अब मेरे स्तर पर चाहेंगे मैं हर महीना एक तारीख तय कर दीजिए, आप मेरे पास आइए मैं आता हूँ, हर महीना हम रिव्यू करते हैं। समस्या ज़्यादा हम 15 दिन में आ जाएंगे महाराजा। सर ये 12 घंटे का वर्क जो चलता है सर, इसके विषय सब बताएं। आपने मुझे बताया, अभी इन्होंने भी बताया, मुझे इससे पहले मेरे संज्ञान में था नहीं, मैं अपने अधिकारियों से देख लेता हूँ, आँख से पहले इसको संतुष्ट कर लेता हूँ, है तो उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। ये गलत है, जो चीज़ गलत है। कई बार आपके साथ कंप्लेन किया सर, आपके पास जाके मैं 2 बार कंप्लेन किया। ठीक है, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया मेरे, नहीं आपने बोला देखो ध्यान में, तो अभी आपके सामने 50 फोन मेरे आगे, मेरी VC अभी तो मैं बोला नहीं, मैं बहुत अर्जेंट बैठक में VC में नहीं जा सकता हूँ। ये रिसीव है सर, ये रिसीव साहब, सवेरिया मैनेजर साहब आ रहे हैं, ये साहब अभी सवेरिया मैनेजर साहब हैं, हम देख लेते हैं, किसी तरह का भी किसी का शोषण हम नहीं होने जी सर, मान के तो किसी वर्कर को निकाले ना सर, ये अभी आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो निकालना ही नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताइए, अधिकार के लिए बोलना आपका हक है, ये तो निकालना उसकी आवाज़ दबाने जैसा आवाज़, हम नहीं होंगे सर। अभी आपका जो 7-8 माइंस है वहाँ पर कुछ एम्बुलेंस लगी हुई हैं, तो ठेकेदार ने क्या किया है कि जो ड्राइवर थे उनसे पासबुक और ATM की उसने डिमांड की कि आप मुझे दे दीजिए, तो उन लोगों ने नहीं दिया, तो बिना कारण के उन लोगों को बैठा दिया उसने। देखिए मेरे संज्ञान में ये नहीं है, आपने बता दिया उनको, मेरे कार्यालय में कल आप ले आइए, भेज दीजिए, मैं तुरंत उसको समाधान जी। ठीक, हम सदैव ठीक है जी, सब संतुष्ट है। जो मीटिंग हुई थी हमारी, मीटिंगें हो चुकी हैं, जो अभी मीटिंग का जो सार है, क्योंकि उसमें एक मुद्दा बहुत बड़ा है कि वो 20 साल बाद मेरे SDM साहब से सुबह भी बात हुआ, कल भी बात हुआ, तो बोले साहब अभी हम भेज के मंगा देंगे। मैंने कहा मंगा दीजिए, तो एक साथ हम लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि वो मुद्दे त्रिकोणीय हैं, एक पक्ष आप, एक पक्ष प्रबंधन, एक पक्ष शासन। तो बोले नहीं साहब हमारे कमरे, हम आपको बता देंगे, आप क्या अभी चल के SDM साहब से मिल भी लीजिए, जिस दिन वो अपने मुद्दे पे निर्णय ले लेंगे उस दिन हम सामूहिक बैठक कर देंगे 3-5। उस दिन वो हेडक्वार्टर के चारों जनरल मैनेजर बुला लेंगे, तो क्या और वार्ता के थ्रू समाधान निकल सकता है, हम जरूर प्रयास करेंगे। प्रबंधन हमेशा आपके साथ है, आपकी भलाई, मैं आपको तकलीफ दे के मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम अगली मीटिंग आप 1-2 दिन नहीं, माननीय SDM साहब के साथ रख लीजिए, बोलेंगे मैं चला चलूंगा आपके यहाँ बात करने की, वहाँ बात करेंगे, वहाँ समाधान निकलेगा। माननीय कलेक्टर साहब बहुत अच्छे परसों आए, आप लोगों के लिए हमने डेट तय किया कि ये DOL कब होगा, अमाडांड का, निमा का, कुका का, मझोली का, हमसे रोजगार देना, आप तो नहीं थे, और हम एक तरफ में था साहब, था हमारी टीम थी और शासन की टीम, हम बोले नहीं साहब 3 महीने में हमको देना, हमारे मन में कदाप नहीं है कि नहीं साल भर में देंगे, जो गुजर गया वो तो वापस नहीं आ सकता, आज कम से कम अच्छा करें ना, तो मेरी यही राय है। आप चल के SDM साहब से पूछ लीजिए ना, मैं बात करूंगा कि साहब ये बात परसों चर्चा हुई, 1-2 दिन में माननीय कलेक्टर साहब से मीटिंग दे दीजिए, मैं चला चलूँगा। हमारा बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर होने के नाते हम कोई चीज जो क्लियर है आपका आदेश शासन का आएगा, हमको पालन करने में कोई दिक्कत नहीं। नीति निर्धारण किस के तहत रोजगार देंगे आप तय करेंगे, और कलेक्टर साहब हाँ बोलेंगे, हमको सिर्फ देना है, हम नीति नहीं निर्धारण, शायद ये गलत फहमी है। हाँ आपके 100% या क्लबिंग में जाएंगे ना कुछ, इसमें जो ज़्यादा बहुमत होगा वो आप तय करेंगे, कलेक्टर साहब मोहर लगा देंगे, हम उतना रोजगार तहसीलदार साहब, SDM साहब, प्रशासन लगा है, राज्य शासन को हमने भी बोला कि